जो मारपीट की घटना है वो 7 सितंबर को हुई थी। जैसा कि जो स्कूल के बच्चों से पूछताछ की गई है, कुछ OMR शीट में गलत मार्क करने पर और टीचर के द्वारा 2 बच्चों को मारा गया था कि आप नहीं सीखोगे तो आप फेल हो जाओगे, इस टाइप की बात प्रकाश में आई है। लेकिन डेथ घटना के काफ़ी दिन बाद हुई है। 26 तारीख को सुबह पोस्टमार्टम में किसी भी प्रकार की एंटीमार्टम इंजरी प्रकाश में नहीं आई है। ज़ाहिरा चोटें नहीं दिखी हैं, लेकिन कॉज ऑफ डेथ जो है वो रीनल फेलियर और सेप्टिसीमिया ये आया है, जो किडनी की फेल होने से होता है। अब इसमें मारपीट का और बाकी जो कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं गत 4 दिनों में और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर गहनता से समीक्षा की जाएगी, डॉक्टर्स की ओपिनियन ली जाएगी। डॉक्टर्स की टीम गठित करने हेतु मेरे द्वारा DM साहब से पत्राचार किया गया है। पूरे सारे तथ्यों का गहनता से परिशीलन करके कि किस प्रकार से मारपीट और सेप्टिसीमिया और जो इन्फेक्शन हुआ है बच्चे को जिसकी कारण से डेथ हुई है उसकी जांच की जाएगी, उसके उपरांत ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। क्या बच्चे को किडनी की बीमारी कुछ पहले से भी कुछ ऐसा प्रकाश में आया? किडनी की बीमारी पूर्व से होने के बारे में कोई प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं, उनके बारे में गहनता से जांच की जाएगी। कहीं उसका ट्रीटमेंट पहले हुआ है और कितना पहले हुआ है वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, ये सब विवेचना का विषय है। जानकारी जब पूरी कर ली जाएगी तो सभी प्रपत्र उपलब्ध हो जाएंगे, उसके बाद इसमें कुछ कहना उचित होगा।